अर्थ, और अर्थ के आसपास कुछ भी नहीं है. देयर इज नो सन, देयर इज नो मरकरी, देयर इज नो वेनस, देयर इज नो नेपच्यून, देयर इज नो प्लूटो, देयर इज नो जुपिटर, नो प्लैनेट्स. देयर इज अर्थ एंड स्पेस अराउंड अर्थ. मतलब जो भी हमारा एक्सप्रेशन है, इट इज फॉर आइसोलेटेड अर्थ. बाकी चीजों का ग्रेविटी हमारी प्रॉब्लम पे इफेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हमने सिंपली माना कि बाकी चीजें दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती. इट्स एन आइडियल केस. और दूसरा एजम्पशन जो हमने किया, कि देयर इज नो एटमॉस्फेयर. रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में एटमॉस्फेयर होता है. रियलिटी में व्हेन यू थ्रो समथिंग, इट हैज टू गो थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड इट हैज टू पियर्स द एटमॉस्फेयर. तो मतलब इसको एटमॉस्फेयर को चीर के जाना पड़ेगा और इसको एटमॉस्फेयर का रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा.